नमस्कार, ग्रुप कैप्टन नचिकेता। 99 में मैं एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट था और आदमपुर में स्थित वुल्फ पैक 9 स्क्वाडन का एक पायलट था। हमारे सीओ थे ग्रुप कैप्टन अवतार सिंह, उनके ऑर्डर्स पे मई सेकेंड वीक में एंड थर्ड वीक में हमें डिप्लॉयमेंट के ऑर्डर्स मिले आदमपुर से श्रीनगर। तो हम लोग श्रीनगर पहुंचे 18-19 तारीख के आसपास, और 18-19 तारीख से लेके तकरीबन 26 तारीख तक हम लोगों ने यहाँ पे लोकल एरिया फैम फ्लाइंग किया था, क्योंकि हम हमारे लिए एप्लीकेशन था एंड जंग की तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी। और फाइनली सफ़ेद सागर, जो कि ऑफ विजय का इंडियन एयरफोर्स एलिमेंट है, उसकी घोषणा हुई थी 26 मई से। तो 26 मई 99 से एयरफोर्स ऑपरेशन स्टार्ट हुए। 71 के बाद पहली बार एयर पावर का यूज़ किया जा रहा था एनिमी के अगेंस्ट में, और वो भी इस हाई ऑल्टीट्यूड्स, तो 15, 17, 18, 19 फीट पे हैं, तो पहली बार यूज़ किया जा रहा था। तो एक तरह का 9 स्क्वाड्रन, सारे जो स्क्वाड्रन इन्वॉल्व थे हमारे, MiG-21s, MiG-23s, MiG-27s, Mirages, Su-30s, हर स्क्वाड में हर जगह पे बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म था, मोटिवेशन था पायलट्स में, बिकॉज फाइनली वॉर इज़ वॉट वी ऑल प्रिपेयर फॉर, दैट इज़ वॉट वी ट्रेन फॉर। 26 मई को पहला ऑपरेशन हुआ था, उसमें थोड़ा वेदर का प्रॉब्लम था। आप देख सकते हैं कि जब क्लाउड्स में वेदर क्लाउड्स नीचे आ जाते हैं तो जो हमारे टारगेट्स होते हैं वो दिखते नहीं ठीक से, तो टारगेट बी बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। सो वी वेंट टू द नेक्स्ट डे ऑफ 27th ऑफ मे एंड दैट इज़ वेन माई मिशन टुक प्लेस। वी वेंट फॉर अ रॉकेट मिशन, फोर ऑफ अस, फोर MiG-27, सेल्फ एंड माई लीडर इज कॉल्ड मैंडोकोट, वर इन दी हाइना फॉर्मेशन। एंड हमारा टारगेट एक जगह है मुंथो दालो, इस समय ये वाला जो सेक्टर है इसके पीछे बतालिक सेक्टर है, उसके पीछे मुंथो दालो का पूरा एरिया आता है। तो हम लोग श्रीनगर से आए थे, इवेंट ऑल द वे दैट साइड, और हमारा वहाँ पर टारगेट था। आफ्टर टारगेटिंग वॉज ओवर, सपोज टू गेट बैक टू श्रीनगर, बट इन द प्रोसेस ऑफ डाइव आउट आई हैड अ इंजन फेलियर। इंजन रिलाइट की प्रक्रिया स्टार्ट की थी मैंने, लेकिन वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, सो आई लॉस्ट आउट ऑन द हाइट, सो बिकॉज ऑफ दैट आई इजेक्टेड। ऑन द ग्राउंड आई हैड अ स्मॉल एम्बुश विद द इंट्रूडर्स, आई फायर्ड माय गन्स व्हिच आई कैरी अ स्मॉल माइक्रो पिस्टल, बट व्हेन आई रन आउट ऑफ द बुलेट्स द एनिमी फोर्सेस कैप्चर्ड मी। एक घंटा वहाँ पे बिताया मैंने, उसके बाद मुझे वहाँ से ले गए स्कार्दू में। स्कार्दू थोड़ा सा और पीछे है यहाँ से, अबाउट एक घंटे का फ्लाइट था हमारे हेलीकॉप्टर में। स्कार्दू में गए, वहाँ पे एक दिन रहा मैं, वहाँ से मुझे शिफ्ट किया गया C-130 में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ट्विन सिटीज। वहाँ पे एक और दिन लगा उनको टू डिक्लेयर मी अनकोऑपरेटिव। उसके बाद 3.5-4 डेज आई स्पेंड इन द कैप्टिविटी ऑफ इंटरोगेशन। बाय द टाइम दिस गॉट ओवर, लॉट ऑफ पैरेलल थिंग्स वर गोइंग ऑन बिहाइंड द स्टेज टू गेट मी रिलीज, स्टार्टिंग विद मिस्टर वाजपेयी, प्राइम मिनिस्टर, all our senior leadership in the defense, all Indians praying for me, my parents' blessings, which was very important for me to get back safely, my family, my sister Sandhya and Vali. So finally I think ek tarah ke aas pass kuch liya gaya decision to send me back. I was taken back from the cell to the safe house, wahan pe ek din rakha gaya mujhe, thoda khana peena, kapde vapde sab kuch theek thaak tha, and then I was shifted to the Red Cross next day. And the Red Cross Society handed me back to the embassy. So I spent one day in the embassy with the defense attache. And mere paas passport visa tha nahi, had gone for a mission. So documentation kiya gaya tha. And wahan se came back to border, Wagha border, and back to India. So this is the story in action. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।